नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास क्लास 9 में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 2 है वो है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। मैं आज इसको शुरू करूंगा और बेसिकली पढ़ाऊंगा। आशा करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, और एक राय मेरी आपको है कि वीडियो पूरा देखें तो अच्छी चीज़ समझ में आती है, कोई चीज़ छूटती नहीं है। मैं अपनी ओर से बहुत अच्छा प्रयास किया आपको समझाने का। एक और बात है, ये मेरे मोबाइल नंबर हैं जो व्हाट्सएप पर हैं 9521663064। आप लोग जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो इस नंबर को नोट कर लें, और वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर से या और कोई चैप्टर जो आपके चल रहा है कहीं पर भी, देखिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। कोई किसी कोचिंग क्लास में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा होगा, कभी किसी जो स्कूल के टीचर्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, किसी न किसी तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य ये है कि आपकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को जो आपको आ रही है मैं सॉल्व करूं, आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हों। तो मैं बहुत ही सरल प्रकार से कोई चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश किया करता हूँ। तो मैं अपना ये चैप्टर शुरू करता हूँ। देखिएगा, इस चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना होगा कि पॉलीनोमियल होता क्या है। ये दो और शब्द हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। पॉलीनोमियल को कहते हैं हिंदी में बहुपद, कांस्टेंट को कहते हैं अचर, और वेरिएबल को कहते हैं चर। चर का मतलब जिसका मान बदलता रहे, अचर मतलब जो कभी ना बदले, जैसे 5, 7, 8। अब जो अचर होते हैं ना, इनको नॉर्मली अपन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चर राशियाँ होती हैं उनको नॉर्मली स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड एक्सेट्रा, यानी टी यू वी भी हो सकता है इसके अंदर। तो ए बी सी डी जो हैं ये तो कॉन्स्टेंट्स, और एक्स वाई जेड यू वी टी इस प्रकार से ये होते वेरिएबल शो करने के लिए। अब बहुपद क्या होता है? तो ये अचर और जो चर है, यानी कि जो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और जो वेरिएबल है, इनका मिला जुला रूप जो होता है बीच में प्लस माइनस लगा के जो बनता है उसको अपन कहते हैं पॉलीनोमियल। जैसे देखिएगा, 4x³ - 2x² + 5x + 9। मैंने साथ में देखिए x की पावर 0 लिख दिया है, तो मैं केवल इसको 9 कह सकता था, पर मैंने समझाने के लिए x की पावर 0 लिखा है, और x लिख सकता था लेकिन मैंने x की पावर 1 लिखी है। तो ये एक पॉलीनोमियल है, ठीक है ना। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं? केवल एक ही वेरिएबल है, x के अलावा इसमें कुछ वेरिएबल है नहीं। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है? तो जितनी सबसे ज़्यादा पावर होती है किसी वेरिएबल की, वही उसकी डिग्री कहलाती है। इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। ये देखिएगा, ये एक पॉलीनोमियल है जिसमें y की पावर 8 - 2x² + z² - 5 - 9 है। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? 3 हैं। देखिएगा, y, x और z। अब एक और विशेष बात जो आपको समझनी है कि पॉलीनोमियल में खास बात क्या है। ये बात तो ठीक है, वेरिएबल हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन जो भी वेरिएबल होता है ना, उसकी जो पावर है, उसकी जो इंडेक्स है, वो एक होल नंबर होने चाहिए। तो ये मैंने लिखा है, इंडेक्स यानी कि पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर, यानी कि एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या, ध्यान देना, पूर्णांक नहीं कहना है, पूर्ण संख्या कहना है, इंटीजर नहीं कहना है, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, -1, -2, -3। और किसी वेरिएबल की पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती किसी भी पॉलीनोमियल के अंदर, और अगर है तो वो पॉलीनोमियल नहीं होगा, वो सिंपली कोई एक्सप्रेशन होगा, कोई व्यंजक होगा, लेकिन वो पॉलीनोमियल नहीं होगा। ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाया किसके बारे में, पॉलीनोमियल के बारे में। अब एक देखिए, आपके कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एग्जाम्पल 1 है एक्सरसाइज 2.1 के पहले का। ये आपको यहाँ कुछ पॉलीनोमियल दिए हुए हैं, x^5 - x^4+3 - y²-y³+2y^8 2। ये तो मैंने मन से लिखा अपने बाद में 2। हमको इसके अंदर इसकी डिग्री लिखनी है कि इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या है। तो डिग्री वो होती है जो सबसे ज़्यादा पावर होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? ये क्या है? 5, यानी इसकी डिग्री 5 है। इसमें पावर सबसे ज़्यादा कितनी है? 8, तो डिग्री 8 हो गई। अब ये 2 था, यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया कि 2 × x^0 कर दिया। आप जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि किसी की भी घात 0 जो होती है हमेशा 1 होती है। तो मैं 2 को क्या कह सकता था? पहले तो 2 × 1 और 2, और 1 को क्या कह सकता था? x^0, इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ 2 × x^0। तो पावर कितनी आ गई? 0। तो इसकी डिग्री 0 है,
ये एग्जांपल वन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन चार है आपकी किताब का, भी ये चार चार एक्सप्रेशन आपको दे रखे हैं और आपको कहा गया है इनकी डिग्री निकाल दो। बहुत सिंपल सा है, मैक्सिमम पावर तीन है तो डिग्री तीन हो गई, या चार माइनस बाईस के में पावर दो है मैक्सिमम तो डिग्री दो हो गई। यहाँ देखिए टी लिखा था, फाइव टी माइनस रूट सेवन, तो टी है मतलब जैसे मान लो केवल टी लिखा है तो मैं इसको टी की पावर वन कह सकता हूँ, डिग्री वन हो गई इसकी। यहाँ केवल कांस्टेंट तीन है, जैसे वो था ना कांस्टेंट दो, इसकी डिग्री कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब देखिएगा एक आपकी किताब का जो क्वेश्चन नंबर वन है, आपका बुक का क्वेश्चन नंबर वन, वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन, कि जो आपको नीचे दे रखे हैं पॉलिनोमियल्स, सॉरी जो नीचे आपको दे रखे हैं एक्सप्रेशंस, वो उनमें से कौन कौन से जो हैं वो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं हैं। तो पहले बात तो ये देखना कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और अगर पॉलिनोमियल है तो कौन सा वन वेरिएबल में और कौन सा थ्री वेरिएबल्स में है। तो देखिएगा पहला 4x² माइनस 3x प्लस 7, मैंने x को लिख दिया x की पावर 1। देखिए इसमें एक ही वेरिएबल है और जो वेरिएबल है ना x, इसकी पावर हमेशा दो है या एक है, तो ये हम कहेंगे यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। यस आ गया, यस क्यों लिखा मैंने, उन्होंने क्यों लिखूँगा और यस क्यों लिखूँगा, अगर वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है तो यस लिखूँगा, और अगर वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है तो नो लिखूँगा, और आगे लिखूँगा क्या है। फिलहाल ये यस आंसर आ गया इसका। अगला देखिए y² प्लस रूट टू, कोई दिक्कत नहीं है, रूट टू कॉन्स्टेंट है, वाई की पावर दो है, ये एक्चुअली इसकी जो डिग्री तो दो है लेकिन ये वन वेरिएबल में, वेरिएबल इसमें एक ही है, कौन सा, वाई, तो यस आ गया इसका आंसर। आगे देखिएगा 3√t प्लस t√2, भाई यहाँ तो बात ठीक है, रूट टू तो कांस्टेंट है, गुणा टी से हो रहा है, जो कोई दिक्कत बात है, कोई दिक्कत नहीं, टी की पावर वन ही है ये, लेकिन ये रूट टी है। अब रूट टी जो होता है उसको हम टी की पावर हाफ कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं रूट पाँच लिखता हूँ इसका होता है पाँच की पावर एक बटा दो, रूट टी लिखा इसका टी की पावर वन बाई टू, और जब पावर वन बाई टू हो गई जो कि पूर्णांक, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, मैं गलत से पूर्णांक भूल गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, और चूंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए ये बहुपद नहीं है, तो लिख दिया पहले, पहली बात मैंने क्या लिखा, नो, नो का मतलब क्या लिखा आगे मैंने, कि इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो फिर ये कौन सी बात करें कि वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है कि थ्री वेरिएबल है। वन टू थ्री वेरिएबल्स की बात तब होती है जब वो पॉलिनोमियल हो, यह तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टी की पावर है वो वन बाई टू है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि होल नंबर नहीं है। अगला वाई प्लस टू अपॉन वाई, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो टू अपॉन वाई होता है ना, टू अपॉन वाई, इसको मैं टू इंटू वाई की पावर माइनस वन कह सकता हूँ, वन अपॉन वाई जो होता है उसको अपन वाई की पावर माइनस वन कहते हैं, और चूँकि माइनस वन जो है वो होल नंबर नहीं है, इंटीजर था लेकिन ये होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, और चूँकि पॉलिनोमियल नहीं है तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो ये नो आंसर आएगा इसका कि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। लास्ट एक्स की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50, इसमें सारे जो ऊपर पावर्स हैं वेरिएबल्स की वो पूर्ण संख्या हैं यानी कि होल नंबर्स हैं, तो भाई ये तो पॉलिनोमियल है, इसमें कोई दो, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, देखिए तीन है, एक्स वाई और टी, यानी कि हमारा क्वेश्चन था ना कि कौन से पॉलिनोमियल इसमें जो है वो वन वेरिएबल के हैं, तो हम इसमें लिखेंगे नो, नो का मतलब ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल्स, कि इसमें तीन तीन वेरिएबल है एक्स वाई और टी। अब देखिएगा अगला एक क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर दो, इसमें लिखा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक, और भाई जिस अंक से गुणा होता है वो गुणा अंक यानी कि गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, हमें ये चार एक्सप्रेशन दे रखे हैं इसके अंदर। देखिए पहला 2+x² + x, दूसरा 2-x² + x³, तीसरा 5/2 × x² + x, और चौथा √2 × x - 1। ये मैंने अपने मन से लिखा है, √2 × x - 1 लिखा है। हमें पता करना है कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, यानी कि x² का गुणा किससे हो रहा है। तो भाई
आप इसको देखें एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको कह सकता हूँ क्या कुछ साथ में लिखा है क्या इसमें, दो तीन चार कुछ नहीं लिखा है, प्लस हो रहा है यहाँ बीच में। तो मैं एक्स स्क्वायर को क्या कह सकता हूँ, वन इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वन इंटू, देखिए किसी भी संख्या को जब एक से गुणा कर दे वापस वही संख्या आती है, तो एक्स स्क्वायर को मैं एक से गुणा करूँगा तो वापस एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो जब केवल एक्स स्क्वायर लिखा हो तो कोएफिशिएंट कितना होता है वन, और यहाँ चूंकि ये प्लस था तो प्लस वन, और प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसका आंसर आ गया वन। नाउ यहाँ देखिएगा, टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, ये रहा एक्स स्क्वायर की टर्म, और इसका कोएफिशिएंट होगा माइनस वन क्योंकि ये माइनस है। यहाँ देखिए पाई बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है, पाई बटा दो से, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया पाई बाय टू। ये क्वेश्चन जो देखिएगा रूट टू एक्स माइनस वन, अब देखिए ये इसमें लिखा नहीं था, जीरो एक्स स्क्वायर तो मैंने लिखा है, क्वेश्चन था रूट टू एक्स माइनस वन, ये था रूट टू एक्स माइनस वन, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। और भी जब एक्स स्क्वायर की कोई टर्म होगी तो उसका कोएफिशिएंट होगा, इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, हम मान सकते हैं इसमें जीरो एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू जीरो जीरो ही होता है, और जब कोई टर्म ही ना हो तो हम कहेंगे कि उसका जो कोएफिशिएंट है वो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो आ गया। ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये जो आपको दे रखा क्वेश्चन इसके अंदर एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है, ये बात हो गई। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट देखिए हमें कुछ बातें समझनी होंगी, मोनोमियल्स बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स को कहते हैं अपन एकपदी, बाइनोमियल्स को कहते हैं द्विपदी, और ट्राइनोमियल कहते हैं त्रिपदी। देखिए मोनो का मतलब होता है एक, बाई का मतलब होता है दो, और ट्राई का मतलब होता है तीन। बाई जैसे होता है ना बी आई, तो द्वि, मोनो का मतलब एक और ट्राई का मतलब त्रि। अब देखिए ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, एक दो तीन, इसमें टू एक्स की पावर एट माइनस थ्री वाई की पावर टेन, एटीन बाई फाइव, ये सारे मोनोमियल्स हैं, क्यों एक एक पद ही इसके अंदर। हालांकि देखिए आप कुछ लोग कह सकते हैं कि दो है, दो है एक्स की पावर एट, इसका दो से गुणा हो रहा है, तो गुणा होने से कोई एक पदी दो पदी तीन पदी नहीं बनता है। एक पदी द्विपदी त्रिपदी के अंदर बीच में लगने चाहिए प्लस माइनस या इंटू हो रहा है, तो सारे ये एक पदी हैं, यानी सारे मोनोमियल्स है। हालांकि इसकी डिग्री आठ है, इसकी डिग्री दस है, और इसकी डिग्री ज़ीरो है, लेकिन हैं सारे ये एक पदी यानी कि मोनोमियल्स। ये है बाइनोमियल, देखिए इसमें दो एक्स स्क्वायर और वाई के बीच में माइनस आ गया, इसमें एक्स और सात के बीच में माइनस आ गया, इसमें वाई और सात के बीच में प्लस आ गया, यानी कि दो पदों को लिया गया है और उनको जोड़ा गया, कभी या कभी घटाया गया है। ये हो गए बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल में क्या होते हैं, तीन तीन पद होते हैं, देखिए ये दो एक्स स्क्वायर पाँच एक्स और चार, बीच में माइनस प्लस लगा दिया, और भी कर सकते हैं अपन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी ट्राइनोमियल है। अब देखिए अगला एक क्वेश्चन तीन है आपकी बुक का, आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है ना 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर थ्री है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के कोई एक आंसर नहीं होते हैं, कितने ही आंसर हो सकते हैं, अनऑप्शन आप अनंत। पहले लिखना आपको बाइनोमियल, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो देखिएगा जैसे मैंने मान लीजिए 2x की पावर 3 माइनस 17y की पावर 35, ये लो जी ये हो गया बाइनोमियल, और डिग्री हो गई इसकी 35। हम ऐसे भी कह सकते थे इसको 3x की पावर 35 माइनस 2x की पावर 5, ये भी इसकी डिग्री 35 है, बस जो इंडेक्स है मैक्सिमम वो 35 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 9x की पावर 35 माइनस 7, ये भी बाइनोमियल है, इसमें भी दो पदों को जोड़ा गया या घटाया गया, घटाया गया इसके अंदर, बस जो डिग्री है वो मतलब होता है जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर, वो इसमें 35 है। ये सारे एग्जांपल जो हैं आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, सारे सही हैं इसके अंदर, बाइनोमियल है और डिग्री कितनी है इसकी 35।
देखा ना, गिव वन एग्जाम्पल, हमने तो आपको तीन दे दिए, एक दो तीन दे दिए, आप और भी दे सकते थे। ये देखिएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिए थे ये वाले, ये थे बाइनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है दो, इसकी डिग्री कितनी है एक, इसकी डिग्री कितनी है एक, ये सारे मोनोमियल थे डिग्री आठ, डिग्री दस, डिग्री ज़ीरो, ये ट्राइनोमियल थे डिग्री दो, डिग्री दो। अब हमको लेना है मोनोमियल ऑफ डिग्री हंड्रेड, मोनोमियल ऑफ डिग्री हंड्रेड कैसे लेंगे, जैसे कि माइनस टू वाई की पावर हंड्रेड, बस है ना मोनोमियल इस एक टर्म। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर हंड्रेड, जैसे कह दिया माइनस थ्री जेड की पावर हंड्रेड, यानी जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर हंड्रेड होना ज़रूरी है, वाई की पावर हंड्रेड, एक्स की पावर हंड्रेड, जेड की पावर हंड्रेड, ये सारे जो है मोनोमियल्स है, इसके अंदर एक एक पदी हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया तीसरा, ठीक है। नाउ लास्ट आज का, अब देखिएगा हमें समझना होगा कि रेखिक द्विघात और त्रिघात जो क्या होता है व्यंजक, ये बात चल रही पॉलिनोमियल की। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है जिसके अंदर वेरिएबल की पावर एक आती हो, पावर ऑफ वेरिएबल अगर एक है तो बोलेंगे इसको लीनियर, यानी रैखिक। अगर पावर दो है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक, यानी कि द्विघात, और अगर पावर तीन है तो बोलेंगे क्यूबिक, यानी कि त्रिघात। बस ये मीनिंग हो गया इसका। अब ये क्वेश्चन है पूरा देख लेते हैं अपन, पूरा जो आपका क्वेश्चन है कौन सा बुक का, पांचवा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल्स, ये जो आपको बहुपद दे रखे हैं इनका वर्गीकरण कीजिए कि ये रैखिक हैं या जो द्विघात है या त्रिघात है। तो देखने से ही पता पड़ जाता है, एक्स की पावर दो है ना, तो ये हो गया द्विघात, यानी कि हम इसको बोल देंगे क्वाड्रेटिक। देखिए मैं हिंदी में लिख चुका हूँ या द्विघात क्वाड्रेटिक को, और उसको जो होता है ना क्यूबिक को लिख चुका हूँ त्रिघात, और लीनियर को लिख चुका हूँ रैखिक। यहाँ एक्स की पावर हाइस्ट कितनी आ रही है तीन, तो हो गया त्रिघात, यानी कि इसको बोल सकते हैं अपन क्यूबिक, क्यूबिक त्रिघात क्वाड्रेटिक द्विघात। यहाँ वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है दो, ये हो गया क्वाड्रेटिक। वन प्लस एक्स, एक्स की पावर कितनी आ रही है वन, यानी कि इसमें क्या हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको रैखिक, यानी कि लीनियर। जब पावर एक हो, लिखा ना मैंने, जब पावर एक हो तो लीनियर, पावर दो हो तो क्वाड्रेटिक, और पावर तीन हो तो क्यूबिक, मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूँ मैं। थ्री टी, तो इसमें टी की पावर वन है तो क्या हो गया लीनियर। आर की पावर दो है क्वाड्रेटिक, और एक्स की पावर तीन है तो ये हो गया क्यूबिक। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये वीडियो जो समझाया है, मैंने पहले से तैयारी कर ली थी, पहले से सारे क्वेश्चंस लिख लिए थे, और आपके सम्मुख मैंने इनको सॉल्व किया है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, ध्यान दीजिए अगर अच्छा लगा हो, तो अगर ये बात कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को इसे भेजें ताकि उनको भी इसका आनंद मिले। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, जो भी मुझको आज सुन रहे हैं इस यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से, चाहे वो भारत में कहीं भी बैठा हो बच्चा, मैं तो जोधपुर से हूँ, जोधपुर के लोग भी सुन रहे होंगे, बाहर भी सुन रहे होंगे, तो एक काम अगर आप करें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। देखिएगा मेरा जो प्रयास है, आप अगर ध्यान से देखें, जो मेरा उद्देश्य है इस यूट्यूब चैनल का,
वो बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझाना है। कहीं पर भी बच्चा बैठा हो, ये सब फ्री ऑफ चार्ज है। सामान्य जो यूट्यूब पे पढ़ाई होती है उसमें कोई भी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, केवल अपनी अपनी बातें करता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कहीं भी बैठे हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूँ, तो आप एक काम करें कि मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, इस नंबर पर। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दूंगा, चाहे कितना ही मुश्किल क्वेश्चन हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी बुक का हो। देखिएगा, मैं आपकी जो कोर्स की बुक है वो तो खैर करा ही रहा हूँ, उसके अलावा जो दूसरी किताबें और भी अच्छी, आर डी शर्मा की है, आर एस अग्रवाल की है, अच्छी अच्छी किताब मिलेगी। मैं आई आई टी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, और भी दो तीन अच्छे ऑथर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और इस किताब से हटके होते हैं, बहुत हाई फाई क्वेश्चन होते हैं। तो आप उनमें से किसी भी क्वेश्चन को मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूंगा और बहुत अच्छे से करूंगा, और आपको बहुत लाभ होगा, यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता था, आप अगर वो करेंगे तो सबसे अच्छा होगा। देखिएगा, आज मान लीजिए मुझे अलग अलग एरिया से कोई बच्चे अपनी प्रॉब्लम भेजते हैं, सिर्फ 50 लड़के हैं, तो मैं 50 की प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व करूँगा? बहुत जल्दी तो नहीं कर पाऊँगा ना। एक तरीका ये है कि आप लोग जो मुझसे इस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे भेज दें नाम के साथ में, और कहाँ से हैं आप, किस स्कूल में पढ़ते हैं, यानी आपका एक ब्रीफ, और उसमें आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर और पेरेंट्स का नाम भी होना चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो ऐसे कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, कुछ के आ भी गए हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ऐसे बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँगा, हो सकता है ऐसे 20 बच्चे हो, 25 बच्चे हो, 30 बच्चे हो, यानी जो पढ़ने वाले बच्चे, तो वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँगा, और उस ग्रुप में सिवाय 9th की पढ़ाई के दूसरी कोई बात नहीं होगी, कोई तरह की बात नहीं होगी सिवाय पढ़ाई के। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि उस ग्रुप का एडमिन मैं होऊंगा, और जो और उसमें होंगे पार्टिसिपेंट्स, वो सब मैं उनको ग्रुप में लेके आऊँगा, और वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझे उस ग्रुप के अंदर सबमिट कर सकते हैं। और जितनी प्रॉब्लम मेरे सामने आएंगी आप लोगों की, उनको फिर मैं सॉल्व करके यूट्यूब पे उसको मैं पोस्ट कर दूँगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा उन सारे सॉल्व की गई प्रॉब्लम्स को, और उसका लिंक जोड़ दूँगा उस व्हाट्सएप ग्रुप से। तो आप आराम से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपनी समस्याओं को सॉल्व करा सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए 20 लड़के हैं और एक लड़की की समस्या बहुत हाई फाई लेवल की है, हॉर्स जो होते हैं क्वेश्चन जो बहुत मुश्किल होते हैं वो है, तो उसका फ़ायदा बाकी को मिल जाएगा। ये तो है नहीं कि मैं एक लड़की की समस्या सॉल्व करूँगा, लड़के जो चाहे किसी कितने भी हो एक की सॉल्व करूँगा, सब देखेंगे, नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही है। तो आप जैसा उचित समझे वैसा करें। मैंने अपनी बात पूरी कह दी, तो ओके, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।